झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे सबसे पहले कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर आज कहां पे कमाई के मौके हैं और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने कॉटन को 40,000 का आंकड़ा पार करते हुए देखा था MCX पर। आज भी देख रहे हैं जो कॉटन है MCX कॉटन 40,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, लेकिन आज हल्की सी मुनाफा वसूली भी है। आपको क्या लगता है, क्या कॉटन अभी ऐसे ही इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करती रहेगी? देखिए, 40,000 के ऊपर निकल चुकी है और एक अच्छी रैली हम कहेंगे कि इसके अंदर फिर से बनती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो ये तनाव है इसका भी इम्पैक्ट कॉटन के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हैम्पर हो सकते हैं और इस वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 40,000 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर 40,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी रहती है तो फिर एक तेजी और बन सकती है जो कि 41,000 से 42,000 तक की हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से बाजार फिसल सकते हैं और नीचे में 39,000 तक मार्केट लुढ़क सकता है। जी, इसके साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर बिनौला कल की, तो बिनौला कल में देख रहे हैं वही सुस्ती के साथ आज भी कारोबार हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला कल में जितनी तेजी आनी थी अब आ चुकी है? देखिए, बिल्कुल बिनौला कल में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। कॉटन में अगर तेजी आती है तो सचमुच तेजी बिनौला कल में बनी रह सकती है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो है मार्केट वो 3,000 से 3,200 के बीच में करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई बिनौला कल में दिखाई नहीं दे रही है। जी, इससे रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मार्च का महीना हम देखते हैं कि अक्सर धनिया और जीरे की अराइवल्स का महीना रहता है और मसालों में हमने कुछ नरमी भी आते हुए देखी है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मसालों में नरमी आई है तो कौन सा मसाला नीचे में क्या लेवल दिखा सकता है? देखिए, मसालों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो हल्दी की बात करें सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हल्दी नीचे में 8,000 तक लुढ़क सकती है और जीरा काफी सपोर्ट ले रहा है, 20,000 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो जीरे में गिरावट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जीरा अगर गिरता भी है तो 19,800 तक लोअर लेवल हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जीरे के अंदर गिरावट। और जीरा यहाँ से मुझे लगता है कि 21,000-21,500 का स्तर एक बार फिर से दिखा सकता है। और वही धनिया देखे तो धनिया के आपात जो है वो नीचे में डाउन साइड 10,000 तक बन रहा है, 9,800 से लेकर 10,000 हो सकता है कि यहाँ तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी तेजी का है। अराइवल प्रेशर के चलते छुटमुट गिरावट बन सकती है। जी, ये सर पर ही बात करें अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा 11,200 के ऊपर है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6,100 के ऊपर है। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार गम ग्वार सीड धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब कुछ कुछ बढ़ता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, एक अच्छी तेजी ग्वार में कब तक एक्सपेक्टेड है? ये तेजी तो ऑलरेडी आ रही है मार्केट के अंदर और ये तेजी इसी तरीके से हमें आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एकदम से बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कच्चे तेल में आ रही तेजी का असर भी अभी ग्वार की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि एक बार 12,000 का अहम सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है अपसाइड में तब आप लंबी तेजी की तरफ जा सकते हैं। और ग्वार सीड जो है वो 6,500, तो यानी कि अभी काफी अपने लेवल से दूर है, तो वहां तक की एक बार सिसकती हुई तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है सुस्ती के साथ, और लेकिन पॉजिटिव मार्केट रहता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में भी जो सोयाबीन है उसमें एक हल्की सी नरमी आई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है सोयाबीन की, जो इंटरनेशनल वायदा है US सोयाबीन, वो 1,700 के ऊपर निकला है। जो सोयाबीन वायदा 1,680-1,670 तक की रेंज में ट्रेड कर रहा था उसमें अचानक अब 1,700 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है और चाइना भी सोयाबीन की लगातार खरीद कर रहा है ब्राज़ील और अमेरिका से, तो क्या ऐसे में सोयाबीन में अभी और तेजी बनने वाली है? देखिए, अभी लग तो रहा है जो ट्रेंड है वो ट्रेंड काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सभी जगह पर हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रोडक्शन भी इस बार कम है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर कंटिन्यूशन में मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,
से रूपा जी बात करें अगर आप कैसर सीड की, तो कैसर सीड देख रहे हैं कि कैसर में हल्की सी नरमी आई है, 7264 का लो लगा है और 7280 पर ट्रेड कर रहा है। रूपा जी पहले तो हम देख रहे थे कैसर सीड को 7300 के ऊपर था, अब देख रहे हैं 7200 के ऊपर है। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से चाइना में लॉकडाउन लगा है और चाइना भारतीय कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड का बड़ा खरीदार है, तो क्या उसका इम्पैक्ट अब कैस्टर पे देखने को मिल पाएगा? देखिए एक्सपोर्ट जरूर हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं और उसका असर जो है वो नेगेटिव हो सकता है, प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे, लेकिन स्टिल अभी प्राइसेस जो है वो 7000 का टेक्निकली देखा जाए तो सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो कंटिन्यूशन में इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा और अगर 7000 के नीचे लुढ़क जाता है तो आपको 6800 से लेकर 6500 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ से अपसाइड जो है वो 7500 तक की एक बार लेकर चल सकते हैं जी। ये सर पर जी बात करें अगर मेंथा की, तो इस बार खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो किसान है वो मेंथा की फसल इस बार ज़्यादा नहीं बो रहे हैं क्योंकि उनको बीते कुछ सालों से मेंथा के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम ही होता नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेंथा की जो बुआई है अब नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है सप्लाई टाइट रहने के बावजूद, उत्पादन कम रहने के बावजूद जो कीमतें गिर रहेंगी वो ऐसा क्यों होगा फिर? देखिए अभी जो मेंथा की स्थिति बनती हुई हमने दिखाई दी है, अभी पीछे हमने देखा है कि लंबे अरसे से बाजार जो एक सीमित दायरे में था, लेकिन जब होली के बाद मार्केट खुला तो एक पॉजिटिव हमें हाजिर मंडियों में बाजार देखने को मिला और एक अच्छी तेजी के साथ 1068 के आसपास मेंथा जो है मंडे को हमें इस ट्रेडिंग इसकी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि अभी जो बाजार है अभी थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, हल्की फुल्की तेजी बनी रह सकती है लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी की तरफ नहीं है क्योंकि काफी जगहों पर हमने देखा है कि इसमें डिमांड जो है वो काफी कम होती इन रेट्स के ऊपर दिखाई दे रही है। और वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली इस साल जो है वो प्राइसेस अच्छे नहीं मिले तो उसके चलते हो सकता है कि अगले साल प्रोडक्शन जो है वो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर मेंथा के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, छुटपुट तेजी रह सकती है। अभी प्राइसेस जो है अगर 1080 के ऊपर निकलते हैं तब आप लंबी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं जी। ये सर रूपा जी चने में आपको क्या लगता है, क्योंकि चने का इस बार प्रोडक्शन तो पिछले साल के आसपास ही बताया जा रहा है, खपत लगातार बढ़ती ही रहती है दलहन की, पिछले साल भी हमने देखा था दलहन की खपत बढ़ी थी, इस बार भी खपत वैसी की वैसी ही है, तो ऐसे में चने का बाजार क्यों मंदा है, चने में क्यों नरमी छाई हुई है? देखिए चने में डिमांड नहीं है इस लेवल के ऊपर और जो प्राइजेस जो है प्रोडक्शन अच्छे खासे होने के बावजूद प्राइजेस जो है वो फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी दालों के अंदर जिस तरीके से वायदा बंद कर दिया गया है उसका भी असर आप देखने को मिल रहा है क्योंकि वायदा के चलते काफी वॉलेटिलिटी प्राइजेस के अंदर देखने को मिलती थी, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस लगातार नीचे बने हुए हैं और दालों में फिलहाल आगे चलकर भी कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। रूपा जी टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज में? देखिए टॉपिक्स की अगर बात करें तो एग्री कम्युनिटीज में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए ग्वार के अंदर भी बाइंग में रहना चाहिए, ग्वार के साथ साथ जीरे में भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और कम्युनिटीज पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।